नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जो कि हमारा IBPS PO प्री का एग्जाम आने वाला है, उसका रीजनिंग का क्या एक्सपेक्टेड पेपर हो सकता है, उसमें क्या क्या आप लोगों से पूछा जा सकता है, कौन कौन से टॉपिक पूछे जा सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरीके से हम लोग मैथमेटिक्स का भी आपको पूरा पेपर डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप लोग रीजनिंग का डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं किस तरीके से पढ़ेंगे। देखो, नए पैटर्न और पुराने पैटर्न SBI PO और कलर के एग्जाम को ध्यान में रखकर मैंने पूरा एक्सपेक्टेड पेपर बनाया, और पिछले साल PO के एग्जाम और बाकी एग्जाम्स को भी ध्यान में रखा गया है। तो यहां पे देखो, सिलोलिज्म, इनइक्वालिटीज, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन, ठीक है। आजकल ये फिक्स नहीं है कौन सी शिफ्ट में क्या आएगा, शिफ्ट्स में भी पेपर चेंज हो जाते हैं, इसलिए सारी चीज़ें अपने को ध्यान में रख के चलनी है और हर एक चीज़ का हमें तैयारी होनी चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को सिलोलिज्म, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन का एक आइडिया देने की कोशिश करूंगा, कुछ क्वेश्चन इनके करवाऊंगा। इसके बाद में हम लोग पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का देखेंगे और एडवांस लेवल के ऊपर देखेंगे SBI PO के अंदर क्या क्या आया था, उसको भी थोड़ा सा बेस मान के यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद में कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग, इनपुट आउटपुट, पहले प्री में नहीं आता था लेकिन आजकल पूछ लेता है, इसलिए इनपुट आउटपुट भी देखेंगे। डाटा सफिशियंसी का एक लेक्चर मैंने डाला हुआ है, लेकिन कुछ और क्वेश्चन में यहाँ पे आप लोगों को करवा दूंगा। इसके अलावा अल्फाबेटिकल कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उनके कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे करवा दूंगा। तो अभी इसको हम लोग 3 या 4 पार्ट के अंदर पूरे पेपर को करने वाले हैं, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आएंगे 35 ही, तो एक्सपेक्टेड पेपर में हम सिर्फ 35 क्वेश्चन नहीं करेंगे, 35 से ज्यादा करेंगे, क्योंकि हम लोग हर टाइप के क्वेश्चन करना चाहेंगे जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। इसलिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में मोर देन 50 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ पार्ट्स में इसको बनाना पड़ेगा। तो पहले पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को सिलोलिज्म, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी और डायरेक्शन के कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जिस की पार्ट आप लोग अभी देख रहे हैं पार्ट 1। ये चीजें अपन लोग पार्ट 2 में देखेंगे और ये दोनों चीजें पार्ट 3 में आ जाएंगे, तो पार्ट 3 में देख लेंगे, या फिर हम लोगों को जरूरत पड़ी तो पार्ट 4 भी इसका बना देंगे। और इसके अंदर मैंने क्वेश्चन को इस हिसाब से छांटने की कोशिश की है कि आप लोगों को हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाए, हर एक कॉन्सेप्ट मिल जाए, और जहां आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है एग्जामिनर, वो चीजें भी आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को करने वाला हूँ, और मैथमेटिक्स का भी मैं आप लोगों को पेपर दे दूंगा, लेकिन पहले हम लोग रीजनिंग का कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैथ्स का भी अपलोड हो जाएगा। सबसे पहले एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिलोलिज्म, वो लेंगे। 5 मार्क्स का ये टॉपिक पूछा जाता है अगर एग्जाम में पूछेगा तो। कुछ बोलेंगे सर आजकल कभी कभी एग्जाम में नहीं पूछता है, कभी कभी नहीं पूछता है, लेकिन एक शिफ्ट में नहीं पूछता है, दूसरे में पूछ लेता है। अगर आपकी शिफ्ट में आ गया तो अगर आपको नहीं आता है तो 5 नंबर का नुकसान हो जाएगा। इसलिए सारा टॉपिक को हम लोग अच्छे से करेंगे, जो नए आ रहे हैं वो भी मैंने एक्सपेक्टेड पेपर में इंक्लूड कर लिए, और जो पुराने टॉपिक हैं वो भी हमको करनी है, ठीक है। तो सारी चीज़ों के मैं एक कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूंगा कि उसी हिसाब का पेपर आएगा, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि पेपर में आने वाला क्या है। तो सबसे पहले सिलोलिज्म का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सम पेट्स आर डॉग। इसका जो बेसिक कुछ वीडियोस डाले हुए हैं पुराने टाइम पे, तो वो आप लोग देख लीजिए ताकि थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो जाए आपको। सम पेट्स आर डॉग, ये लो, सम पेट्स आर डॉग, ये डायग्राम बना दिया। इसके बाद में सम डॉग्स आर कैट, ये लो, सम डॉग्स आर कैट। इसके बाद सम डॉग्स आर रेट, तो सम डॉग्स आर रेट। अब कुछ लोग यहाँ बना देंगे, यहाँ मत बना देना इसको, नहीं तो ओवरलैपिंग हो जाएगी ज़्यादा। इसको इधर सम बन गया तो इसको अलग साइड से बना दो, इसको आपस में एकदम मिला मत देना सारी चीज़ों को। तो सम डॉग्स आर रेट, तो ये आर हो गया। इसके बाद में बोला है नो रेट इज गोट, तो ये नो रेट इज गोट, ये आपका डायग्राम बन गया। इसके बाद में आप लोगों को 3 कॉन्क्लूजन दिए हुए हैं, फर्स्ट कॉन्क्लूजन, सेकेंड कॉन्क्लूजन और थर्ड कॉन्क्लूजन, 3 कॉन्क्लूजन दिए हुए हैं। पहला कॉन्क्लूजन यहाँ पे बोल रहा है सम कैट्स आर रेट, ठीक है। तो कैट ये रहा, रेट ये रहा, तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि सम का मतलब, अगर किसी को नहीं पता है तो सम का सिंपल सा मतलब होता है कॉमन, ठीक है। कि दो चीज़ों में जब सम का रिलेशन आप लोगों को बोल रहा है तो उसका मतलब होता है कॉमन, कॉमन अगर दोनों में निकल आता है तो सम का कॉन्क्लूजन सही हो जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को पहला कॉन्क्लूजन में बोल रहा है सम कैट्स आर रेट, केट ये रहा, रेट ये रहा, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, ये तो दोनों अलग अलग है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये कॉन्क्लूजन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड कॉन्क्लूजन में देखना, आप लोगों को बोला है नो केट इज रेट, नो केट इज रेट, केट और रेट अलग अलग हैं, तो कुछ लोग इसको सही बता देंगे, लेकिन ये सही नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ, मैं आप लोगों को लिखता हूँ नो ए इज बी, तो आप लोग कैसे डायग्राम बनाओगे, ऐसे तो बनाओगे ये ए है ये बी है बीच में क्रॉस है, ऐसे थोड़ी बनाओगे कि भाई ये ए को अलग रख दिया बी को अलग रख दिया, बीच में क्रॉस रिलेशन बना के दिखाओगे ना, तभी तो आपने नो बनाया, ठीक है। अब ऐसे अलग अलग ए और बी पड़े हैं तो मुझे क्या पता इनमें क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन डिफाइन नहीं हो सकता अगर ये अलग अलग हैं। जब तक हमें कन्फर्म बीच में क्रॉस लाइन नहीं मिलेगी तब तक हम बिल्कुल भी ये नहीं बोलेंगे कि इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन है, बिल्कुल कन्फर्म क्रॉस की लाइन इनके बीच में होनी चाहिए, नेगेटिव रिलेशन इनके बीच में होना चाहिए, तभी हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं। तो ये कई लोगों को कन्फ्यूजन था, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके
क्लियर कर दिया। तो अब यहाँ पे सेकेंड कंक्लूजन आपको बोल रहा है नो कैट इज रेट, तो ये रहा कैट ये रहा रेट, दोनों अलग अलग हैं लेकिन फिर भी इनके बीच में कोई भी क्रॉस का रिलेशन नहीं है, इसलिए ये वाला नो वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इनके बीच में अगर क्रॉस का रिलेशन होता तो मैं इसको सही कर देता, लेकिन क्रॉस का रिलेशन यहाँ पे नहीं है, अलग अलग हैं लेकिन क्रॉस का रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट कंक्लूजन आपको बोल रहा है नो गोट इज डॉग, गोट और डॉग दोनों अलग अलग हैं, ध्यान से देखिएगा। तो कुछ लोग बोल देंगे सर ये सही है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि गोट और डॉग के अंदर कोई भी क्रॉस का रिलेशन नहीं है, तो ये वाला कंक्लूजन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये वाले जो हिस्सा है डॉग का वो रेट भी है और रेट आपका गोट नहीं हो सकता, तो इस वाले हिस्से का तो इस गोट के साथ में क्रॉस का रिलेशन है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस पूरे सर्कल का नहीं है, इसलिए नो गलत हो गया। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ ये बोल सकता हूँ कि सम डॉग्स आर नॉट गोट, ठीक है, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे सही हो जाएगी कि डॉग का कुछ हिस्सा गोट नहीं हो सकता, कुछ हिस्से के साथ में क्रॉस का रिलेशन है, तब सम नॉट सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। लेकिन नो डॉग इज गोट ये तभी सही होगा, तब पूरा का पूरे सर्किल के साथ में डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन हो, तभी नो वाला कंक्लूजन सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर कुछ हिस्से के साथ में क्रॉस का रिलेशन हो तो सम नोट सही हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक बात? तो ये होपफुली ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन ध्यान देने की बात है, कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पे देख लो आइदर ओर का केस होता है आपका सिलोजिज्म में, तो क्या देखते हैं हम लोग, तीन चार चीज़ें देखते हैं। पहला, एलिमेंट सेम होना चाहिए। देखो सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन के अंदर क्लियर करवा रहा हूँ। पहला, एलिमेंट सेम होना चाहिए आइदर ओर के लिए। दूसरा, कहीं पे एक जगह सम आना चाहिए और कहीं पे एक जगह नॉट आना चाहिए, फिर नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। यही दो कंडीशन मैं हमेशा बताता हूँ आप लोगों को ओवरऑल मिला के सम नोट के लिए। तो आप लोग फर्स्ट कंक्लूजन देखना, फर्स्ट कंक्लूजन में क्या बोल रहे हैं, सम कैट्स आर रेट्स, और दूसरे कंक्लूजन में क्या बोल रहे हैं, नो कैट इज रेट। तो यानी एलिमेंट फर्स्ट और सेकंड के अंदर एलिमेंट तो सेम हो गए, तो फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो गई। सेकंड कंडीशन पे जाओ, सम आना चाहिए तो सम भी आ चुका है, तो सेकंड कंडीशन में सम वाली कंडीशन भी फॉलो हो गई। फिर आगे जाओ नेगेटिव, थर्ड जो कंडीशन है नेगेटिव या नॉट वाली कंडीशन, तो जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो तो है ही नो कैट इज रेट, ठीक है, तो वहाँ पे नेगेटिव भी आ गया, तो ये तीसरी वाली कंडीशन भी फॉलो हो गई। तीनों की तीनों कंडीशन फॉलो हो गई, तो फर्स्ट और सेकेंड के अंदर क्या आ जाएगा, आइदर ओर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन दिखाने की जरूरत नहीं, आप लोग करते हैं, पेपर करा रहा हूँ इसलिए। तो आप लोगों का जो यहाँ पे आंसर आएगा वो आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और कंक्लूजन सेकंड फॉलोस, ठीक है, या तो निष्कर्ष वन फॉलो करेगा, फर्स्ट फॉलो करेगा, या निष्कर्ष सेकंड फॉलो करेगा, ठीक है। तो आइदर ओर का ये केस बन जाएगा, आइदर ओर की ये तीन कंडीशन होती है, मैंने यहाँ पे समझा दिया किसी को नहीं पता हो तो। अब अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। होपफुली जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे आप लोगों को दो तीन कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश किया है, एग्जामिनर डायरेक्ट वहीं पे आप लोगों को पूछता है, क्योंकि उसे पता है कि कन्फ्यूजन कहाँ रहता है स्टूडेंट को, इसीलिए वो वहीं पे पूछेगा आप लोगों को। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में दो तीन चीज़ें, सम नोट भी आपका क्लियर हो गया, नो वाला भी क्लियर हो गया, और आपका आइदर ओर भी यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। सेकंड क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सम फ्लैट्स आर हाउसेस, ठीक है, तो बना लीजिए सम फ्लैट्स आर हाउसेस, इसके बाद में सम हाउसेस आर बंगलोज, सम हाउसेस आर बंगलोज बना दिया। इसके बाद में बोल रहे हैं नो बंगलो इज होटल, ये लो नो बंगलो इज होटल, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन होटल और हाउस में कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए इनको पूरा लिख देता हूँ मैं, इसको हाउस लिख दिया, इसको होटल लिख दिया, नहीं तो शॉर्टकट में कन्फ्यूजन हो सकता है। इसके बाद में बोल रहा है ऑल होटल्स आर रेस्टोरेंट, ऑल होटल्स आर रेस्टोरेंट, सारे के सारे होटल क्या हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये ऐसे बना देता हूँ, ऑल होटल्स आर रेस्टोरेंट। लेकिन अब ये बीच में जो क्रॉस का रिलेशन था बंगलो और होटल के अंदर, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये बंगलो का होटल के साथ था कि बंगलो का रेस्टोरेंट के साथ था, इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो यहाँ पे आप लिख दिया करो बी एच, तो आपको पता चल जाएगा बंगलो का होटल के साथ में क्लोज रिलेशन था, अगर कहीं ऐसा कन्फ्यूजन होता है तो। क्योंकि अपन क्या है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में भूल जाते हैं कंक्लूजन देखते टाइम, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाती हैं। अब कंक्लूजन देखते हैं, पहला कंक्लूजन आ रहा है नो बंगलो इज रेस्टोरेंट, बंगलो और रेस्टोरेंट के अंदर डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन होना चाहिए। देखो ये रहा बंगलो, ये रहा रेस्टोरेंट, अब बोलोगे सर इसके अंदर तो क्रॉस रिलेशन है नहीं है। देखो रेस्टोरेंट का ये वाला जो हिस्सा है ना हॉस्टल वाला, इसके साथ तो इसका क्रॉस का रिलेशन है देखो, लेकिन ये वाला जो हिस्सा जो कि होटल में नहीं आता है, इसके बारे में अपने को कुछ पता ही नहीं है, इसके साथ तो क्रॉस का रिलेशन है ही नहीं ना, कुल मिला के ये बात है।
कि आपको ऐसे दिया हुआ है, ये ए है ये बी है, इसके साथ इसका क्रॉस रिलेशन है ए और बी का, और ये आपका सी आ गया। अब मैं आपको बोल रहा हूँ ए और बी का तो क्रॉस रिलेशन है डायरेक्ट पूरे के पूरे साथ में, लेकिन सी का इस वाले हिस्से का ए के साथ में कोई क्रॉस रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे सिंपल, अगर आपको कोई ये बोलता है नो ए इज सी, तो इसको तो आप लोग क्या करोगे, गलत करोगे, क्योंकि पूरे ए का सी के साथ में क्रॉस रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसे बोल दे कि सम सी आर नॉट ए, ऐसे बोल दे, तो अब देखो सी का कुछ हिस्सा जो कि क्या है, ये बंगलो है, ये वाला हिस्सा, ये सी का थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा है, ये तो ए नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो सम वाला हिस्सा है ये सही हो जाएगा, सम नॉट सही हो जाएगा, क्योंकि इस जो ये सी था इसका एक छोटा सा हिस्सा जो बी था उसका ए के साथ क्रॉस रिलेशन था, तो सम नॉट सी के हिसाब से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन ये डायरेक्ट नो सही नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ना जो बच गया इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, ठीक है। डिटेलिंग में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि एक्सपेक्टेड पेपर ऐसे डायरेक्ट फटाफट सॉल्यूशन कराने से कोई मतलब नहीं है जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया आप लोगों को। तो फर्स्ट आपका कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड की बात करता हूँ मैं, तो वही चीज़ें थी कि इसके बारे में नहीं पता था इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड आपका था सम हाउसेज हर होटल, हाउस यहाँ है होटल यहाँ है, क्या दोनों में कुछ कॉमन है, तो सम का तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है कि कॉमन होना चाहिए, दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं थर्ड कंक्लूजन के ऊपर। थर्ड कंक्लूजन यहाँ बोल रहा है सम रेस्टोरेंट्स आर होटल, सम रेस्टोरेंट्स आर होटल। अब देखो रेस्टोरेंट और होटल में क्या कुछ कॉमन है, ये बड़ा वाला सर्किल रेस्टोरेंट है, छोटा वाला सर्किल होटल है, तो ये तो होटल पूरा का पूरा रेस्टोरेंट में क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो सम रेस्टोरेंट्स आर होटल, तो ये बात क्या हो गई, सही होगी। तो कंक्लूजन थर्ड क्या हो गया आपका, सही हो गया। फर्स्ट और सेकंड में ये देख लो कि गलत दोनों हो गए, तो कहीं आपका दोनों के अंदर आपका वो तो नहीं है, सेम एलिमेंट तो नहीं है, तो दोनों में सेम एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो ये आइदर और तो हो ही नहीं सकता, तो आपका आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज। देखो अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन के अंदर जो आपका पहला स्टेटमेंट बोल रहा है नो रूलर्स आर पेरोट्स, तो बना दो, ये हो गया रूलर, ये हो गया पेरोट, दोनों के बीच में क्या हो गया क्रॉस का रिलेशन, ये हो गया। अब आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है नो क्रॉस आर ब्लैक्स, तो अभी तो ब्लैक भी नहीं है, नेक्स्ट एक बार स्टेटमेंट पढ़ के देख लो ऑल पेरोट्स आर ब्लैक, ठीक है, तो सारे के सारे जो पेरोट है ना वो क्या है ब्लैक है। फिर से वही कंफ्यूजन आ सकता है यहाँ पे कि ब्लैक के साथ में इसका ये क्या है आर मींस रूलर, रूलर का क्रॉस का रिलेशन है या पेरोट के साथ में क्रॉस का रिलेशन है, तो यहाँ पे आप लिख दो कि आर और पी के बीच में क्रॉस का रिलेशन है, जिससे कंफ्यूजन नहीं हो, आपको पता रहना चाहिए कि जो ब्लैक है इसके साथ में क्रॉस का रिलेशन नहीं है, क्रॉस का रिलेशन आर और पी के बीच में है। नेक्स्ट आ जाओ क्या बोल रहे हैं आप लोगों को, जो एक अपने स्टेटमेंट बीच में छोड़ दिया नो क्रॉस आर ब्लैक्स, ठीक है, तो इसका क्रॉस के साथ में हो गया क्रॉस का रिलेशन, यहाँ तक हो गई होगी चीज़। सेकंड नंबर पे आपको बोल रहा था कोई भी कौवा काला नहीं है, तो कोई भी कौवा काला नहीं है, ये आप लोगों का डायग्राम बन गया। अब इसके ऊपर बेस्ड आपके चार कंक्लूजन दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड और ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ, इस तरीके से आपको चार कंक्लूजन दिए हुए हैं, एक एक करके देखते हैं कि क्या दिया हुआ है और ये सही है या गलत है, ठीक है। तो अब सबसे पहले वाला कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सम रूलर्स आर नॉट ब्लैक, ठीक है। सम नॉट का केस मैंने पहले क्वेश्चन में ही, दूसरे क्वेश्चन में, दोनों में मैंने आप लोगों को समझाया है, तो सिंपल सी बात है सम रूलर्स आर नॉट ब्लैक, तो रूलर ये हो गया और ब्लैक ये हो गया, आपको बोल रहा है कि कुछ रूलर ब्लैक नहीं है, तो रूलर का कोई छोटे से हिस्से का ब्लैक के साथ में क्या होना चाहिए था, क्रॉस का रिलेशन होना चाहिए था, अब रूलर के तो कोई भी छोटे से हिस्से का ब्लैक के साथ में क्रॉस रिलेशन है ही नहीं है, तो सम नॉट हो गया गलत। अब सेकंड वाली चीज ध्यान से समझना, दोनों कंक्लूजन मैंने क्वेश्चन इसी हिसाब से सेट किया कि आपको एक चीज ये कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। आपको पहले क्या बोला गया, आपको बोला गया कि सम रूलर्स आर नॉट ब्लैक, इसका मतलब ये है कि थोड़े से जो रूलर थे वो ब्लैक नहीं है, तो कौन से वाले रूलर ब्लैक नहीं होंगे, कुछ तो डायग्राम में दिख ही नहीं रहा अपने को, ठीक है, ब्लैक के साथ में कोई क्रॉस रिलेशन, लेकिन नीचे देखना सम ब्लैक्स आर नॉट रूलर्स, कुछ ब्लैक रूलर्स नहीं होंगे, जस्ट उल्टा है थोड़ा सा, एलिमेंट को इधर से उधर किया है, सम ब्लैक्स आर नॉट रूलर्स, तो अब देखो ब्लैक का ये वाला जो हिस्सा है ना जो कि पेरोट है, ये ब्लैक का ही तो कुछ हिस्सा है,
क्या ये रूरल है? नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सम नोट करके इस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक का कुछ हिस्सा क्या नहीं है, रूरल नहीं है, यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। और पहले वाला क्या हो गया, गलत हो गया। दोनों कंक्लूजन को ध्यान से समझना, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा ऐसी चीजों के अंदर। थर्ड कंक्लूजन क्या बोल रहा है, नो पेरोट्स आर क्राउज, ठीक है, नो पेरोट और क्राउज, पेरोट एन पी और सी के अंदर क्रॉस का रिलेशन बोल रहा है, बिल्कुल सही बात है। देखो ये जो पूरा वाला ब्लैक है इसका सी के साथ में क्रॉस रिलेशन है, तो ये जो पी है ये भी तो इस बी का ही हिस्सा है, तो इसका भी सी के साथ में क्या होगा, क्रॉस रिलेशन होगा। अलग से छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे कि ये इसका हिस्सा है, ये आपका मान लेते हैं ए, ये इसका मान लेते हैं बी, ये हो गया सी, ए का सी के साथ, बी का सी के साथ क्रॉस रिलेशन है, बी और सी का क्रॉस रिलेशन है आपस में, तो ए का तो ऑटोमेटिक ही क्रॉस रिलेशन हो जाएगा सी के साथ, क्योंकि ए तो बी का ही एक छोटा सा हिस्सा है। सेम चीज यहाँ पे हो रही है, बी का सी के साथ, ब्लैक का क्रॉस के साथ में क्रॉस रिलेशन है, और ये बी भी तो उसी का छोटा सा हिस्सा है, तो बी का भी सी के साथ क्या हो जाएगा, क्रॉस का रिलेशन हो जाएगा, इसलिए नेगेटिव नो पी इज सी वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, नो पेरोट्स आर क्रॉस, ये आप लोगों का थर्ड वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं फोर्थ के अंदर। फोर्थ बोल रहे हैं सम ब्लैक्स आर रूलर्स, ब्लैक और रूलर के अंदर आप लोग देख लो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ब्लैक ये रहा, रूलर ये रहा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए सम वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जहां भी गलत होता है तो एक बार देख लो, एलिमेंट तो सेम नहीं है, कहीं आइदर और तो नहीं बन रहा है, एक बार चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि चार कंक्लूजन है वहां पे चार कंक्लूजन नहीं देगा आप लोगों को, मैंने आपको समझाने के लिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, चार चार कंक्लूजन उठा लिए, नहीं तो आपको दो ही कंक्लूजन देगा। ठीक है दोस्तों, और ये इसको तो मैं करा दूंगा, उससे पहले थोड़ा सा बोलना चाहता था कि कुछ लोगों के कमेंट्स वगैरह आते हैं, सर आपकी वीडियोस कब आते हैं, शेड्यूल्ड नहीं है, अभी हम लोग शेड्यूल में, अभी मेरा टाइम नहीं बता सकता है कब अपलोड होगा, लेकिन आप लोग एक छोटा सा काम कर लो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन जो एक घंटी का साइन होता है उसको दबा लो, तो जब भी चाहे दिन में आए दोपहर में कभी भी जब वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए आप लोगों को टाइम अभी मैं बता दूंगा, कुछ दिनों में हम लोग शेड्यूल पे कर देंगे सारी चीज़ों का, कुछ दिनों में मैंने वीडियो भी नहीं बनाया कुछ रीजन की वजह से। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग शेड्यूल में लाने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को, फिलहाल के लिए आपको नोटिफिकेशन आ जाए उसके लिए आप लोग ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए तो आप लोग देख रहे थे कि फर्स्ट और फोर्थ के अंदर कहीं एलिमेंट सेम तो नहीं, आइडर तो नहीं लग रहा है, तो फर्स्ट देखो आपको क्या बोल रहा है, रूलर और ब्लैक, रूलर और ब्लैक था। ठीक है, और फोर्थ वाला ब्लैक और रूलर था, तो दोनों में एलिमेंट क्या हो गए, फर्स्ट और फोर्थ के अंदर एलिमेंट क्या हो गए, सेम हो गए, एलिमेंट आपके सेम हो गए। दूसरा, पहली कंडीशन फॉलो हो गई, पहली कंडीशन होती है दोनों गलत होने चाहिए, तो गलत तो ऑलरेडी है, उसके बाद में एलिमेंट सेम हो गए। नेक्स्ट आप देखो क्या, एक सम होना चाहिए एक नॉट होना चाहिए, तो आपका देखो जो फोर्थ वाला कंक्लूजन है वहां पे सम आ गया, और पहले वाले के अंदर क्या आ गया, सम नॉट आ गया। ठीक है, और दो बार सम आ जाए वो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो सम भी आ गया आपका, देखो आप दोनों कंक्लूजन में, और नॉट भी आ गया, तो ये वाली कंडीशन भी फॉलो हो गई, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ में आपका क्या वाली कंडीशन बन गई, आइदर और की कंडीशन यहाँ पे बन जाएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा कंक्लूजन सेकंड और थर्ड फॉलोस एंड आइदर कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोस और फोर्थ फॉलोस, इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा आपको, मैं स्क्रीन पे दिखा के देता हूँ। देखो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा आपका डी, तो यहाँ पे ऑप्शन में बोला गया है ओनली सेकंड थर्ड एंड आइदर फर्स्ट और फोर्थ फॉलोस, इस तरीके से आप लोगों को ऑप्शन दे दिए जाएंगे अगर चार कंक्लूजन होंगे, वैसे चार नहीं पूछेगा, दो ही पूछेगा फ्री के अंदर। ठीक है, मेंस के अंदर पूछ सकते हैं, चार पूछ ले। ठीक है, फिलहाल के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए इतने बड़े बड़े थोड़े क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक देखो मैं सिर्फ पेपर नहीं करवा रहा हूँ, मेरा मकसद ये होता है वीडियो के अंदर कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, यहाँ से जाने के बाद सिर्फ क्वेश्चन ना देख के जाओ कि ऐसे आ रहे हैं, इसका सॉल्यूशन ऐसे होता है, आप लोग समझ के जाओ कि क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज भी कर दे या कुछ और भी पूछे तो आपको क्लियरिटी हो जाए। बस एक्सपेक्टेड पेपर कराने का मतलब ये होता है कि कुछ स्कोर के अंदर इंप्रूवमेंट हो जाए। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो स्टेटमेंट क्या बोला, सम बुक्स आर ट्रीज, ये लो सम बुक्स आर ट्रीज। नेक्स्ट देखो, ऑल ट्रीज आर वुड्स, ठीक है, ऑल ट्रीज आर वुड्स, उसके बाद में बोल रहा है ऑल वुड्स आर व्हील्स, ऑल वुड्स आर व्हील्स। अब डब्ल्यू के अंदर कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसको तो वुड लिख दो आप लोग, इसको व्हील लिख दो, ऐसे कंफ्यूजन को दूर कर लिया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, कॉन्क्लूजन के अंदर, कॉन्क्लूजन आपके तीन दिए गए हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट कंक्लूजन पे आते हैं, एटलीस्ट सम व्हील्स आर बुक्स। अब एटलीस्ट वगैरह मैंने बताया हुआ है आपको, एटलीस्ट का मतलब सम ही होता है। ठीक है, तो ये एक तरीके का सम ही बोल रहा है, एटलीस्ट सम व्हील्स आर बुक्स, तो व्हील और बुक में क्या कुछ कॉमन है, व्हील ये रहा बुक ये रहा,
तो ये वाला हिस्सा कॉमन है ना इसके अंदर, तो पहले वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सम का मतलब कॉमन ही होता है, अभी तक एक भी सम का सही नहीं हुआ था अपने पिछले क्वेश्चन में। सम का मतलब कॉमन होता है, जहां पे कॉमन आ जाए सम सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हुक्स और व्हील के अंदर ये वाला हिस्सा क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो ये चीज क्या होगी, सही हो गई। नेक्स्ट कंक्लूजन देखो, ऑल वुड्स बीइंग हुक्स इज अ पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी में यहाँ पे इसीलिए करा रहा हूँ, एक तो पॉसिबिलिटी करा देता हूँ क्योंकि पता है क्वेश्चन आएगा, सम नोट पे भी आएगा, नो पे भी आएगा, पॉसिबिलिटी पे भी आएगा, आई ग्रोथ पे भी आएगा, हर चीज पे क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो इसलिए हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ध्यान से समझना पॉसिबिलिटी को, पॉसिबिलिटी में होता क्या है एक्चुअली में, आपको संभावना पूछता है, आपको करेक्टली नहीं पूछता है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बोल दिया कि ए और बी ये अलग था, ये इधर तो दिखेगा नहीं क्वेश्चन होगा, ठीक है, यहाँ पे ए और बी अलग था, अब इसमें कोई रिलेशन नहीं है, तो इसमें संभावना सारी सी हो जाएगी, ए और बी आपस में नो वाला रिलेशन भी संभावना में सी हो जाएगा, आपस में ऑल ए आर बी भी संभावना में, सारी संभावना सही हो जाएंगी क्योंकि ए और बी के बारे में कुछ पता ही नहीं है हम लोगों को, तो सारी संभावना यहाँ पे सही हो जाएंगी, ठीक है। तो संभावनाओं का मतलब ये होता है कि हमें किसी चीज को ट्रू कराने की कोशिश करनी होती है, अगर ट्रू हो जाता है तो वो संभावना है, इसका मतलब ट्रू हो जाता है तो वो संभावना है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ट्रू चीज है, जैसे कि मेरा नाम अंशुल है, अब कोई बंदा मेरे से आके ये बोलता है कि तेरा नाम अंशुल होने की संभावना है, तो ये संभावना तो गलत हो गई ना, मेरा तो नाम ही अंशुल है। तो अगर किसी ट्रू चीज को, किसी ट्रू चीज को अगर मैं पॉसिबिलिटी बोलता हूँ तो वो चीज गलत हो जाती है, वो पॉसिबिलिटी नहीं होती। कोई बोलेगा तेरा नाम अंशुल है तो वो ठीक है, लेकिन आप कोई बोलेगा कि आपका नाम अंशुल होने की संभावना है, कैसे संभावना कैसे हो जाएगी, मेरा तो नाम ही अंशुल है पहले से। तो कोई चीज ट्रू होती है उसको संभावना नहीं बनाया जा सकता कभी भी, ठीक है। अब मेरा नाम किसी को पता नहीं है, ठीक है, और वो देखे यार ये देखा देखा वैसा बंदा लग रहा है, इसका नाम अंशुल हो सकता है, ठीक है, वो चीज सही हो सकती है क्योंकि उसको एग्जैक्टली पता नहीं है, तो वो आइडिया लगा रहा है, एक पॉसिबिलिटी संभावना जता रहा है, लेकिन किसी को पता है फिर भी आगे बोलता है तेरा नाम अंशुल होने की संभावना, तो वो चीज गलत रहती है। यानी कोई चीज अगर ट्रू है, स्टेटमेंट के हिसाब से कोई चीज अगर ट्रू है तो उसको पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। और पॉसिबिलिटी गलत सिर्फ क्रॉस करा सकता है, जो नेगेटिव स्टेटमेंट में जो क्रॉस आता है वो करा सकता है। कैसे कराएगा अब मैं बताता हूँ आप लोगों को। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन को छोड़ दो, एक बार पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, इनके बीच में क्रॉस का रिलेशन है। अब मैं ये बोलूंगा कि इस ए को मेरे को बी में ले जाना है, तो क्या मैं ले जा पाऊंगा, नहीं ले जा पाऊंगा, ये क्रॉस मुझे रोक लेगा क्योंकि पहले से क्वेश्चन ने दिया है नो ए इज बी, पहले से क्वेश्चन ने दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखूंगा ये ए है, ये बी है, अब मेरे को सारे के सारे ए बी में ले जाने, कोई रोकेगा मुझे, कोई नहीं रोक सकता, क्रॉस रोक सकता था, क्रॉस ही नहीं यहाँ पे, समझ गए आप लोग इस बात को। अगर ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, अब मैं बोलता हूँ ए को मुझे बी में ले जा सकता हूँ, कोई क्रॉस तो है ही नहीं इसको रोकने के लिए, समझ गए आप लोग, ठीक है। तो क्रॉस पॉसिबिलिटी को गलत कराता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए इस पॉसिबिलिटी को हम लोग सही करेंगे, मतलब सही गलत जो भी होगा वो करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक पॉसिबिलिटी आएगी तो उससे भी ध्यान से समझना पॉसिबिलिटी को। अब देखो क्या बोल रहा है, ऑल वुड्स बीइंग हुक्स, ऑल वुड्स बीइंग हुक इज अ पॉसिबिलिटी। अब वुड को हुक बनाना है पूरा का पूरा, उसके लिए कहीं क्रॉस है आपके दिमाग में, कहीं डायग्राम में क्रॉस दिख रहा है, तो क्या वुड को मैं हुक के अंदर लेके आऊंगा, कोई रोकेगा मुझे, कोई नहीं रोक पाएगा, तो पॉसिबिलिटी कभी भी सही हो जाएगी, ठीक है, समझ गए यहाँ तक चीजों को। यानी कि पॉसिबिलिटी जो चीज बोल रहा है उसको सही कराने की कोशिश करो, अगर क्रॉस आके उसको सही नहीं होने देता है तब तो पॉसिबिलिटी होगी गलत, अगर वो चीज ट्रू है तो भी पॉसिबिलिटी गलत होगी, कोई ट्रू को गलत नहीं बोल सकते। अगर वो चीज आपने उठाई और वहां पे आ गई जो आपको करना आप चाह रहे थे तो पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला ऑल वुड्स बीइंग हुक इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे वुड को उठा के वो हुक के अंदर लेके आ रहा है, ठीक है, तो ये ट्रू बात भी नहीं है, पहले से तो अंदर है नहीं इसके, ये सारे के सारे ऑल हुक्स, ऑल वुड्स आर हुक, यही तो होगा इसका डायग्राम, तो यानी सारे वुड्स को के अंदर लेके आना पड़ेगा, ठीक है। अब अंदर लाने के लिए कोई क्रॉस मुझे रोक ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये संभव है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी सही हो गई। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग, बहुत अच्छे से मैंने समझाने कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज़ हो रहेगी उससे और क्लियर हो जाएगी पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट आ जाओ, सम व्हील्स आर ट्रीज, व्हील और ट्री में कुछ कॉमन है, ये रहा व्हील, ये रहा ट्री, ये तो पूरा ट्री ही व्हील के अंदर कॉमन है, ठीक है, तो ये सब वाली चीज़ क्या हो गई, सही हो गई। देखो ये पूरा वाला कॉन्सेप्ट से ये वाली चीजें तो सबको समझ में आ जाती है कि सम ए इज बी, ये नहीं समझ में आती, इसमें भी सम ए इज बी सही है, क्यों सही है, क्योंकि देखो ये ए के अंदर ये बी कॉमन आ गया ना पूरा का पूरा, यहाँ पे ये चीज कॉमन थी लेकिन यहाँ पे तो पूरा ही कॉमन आ गया, तो इसमें भी सम सही है, इसमें भी सम सही है, दोनों डायग्राम के लिए सम ए आर बी सही है,
दोनों डायग्राम मिले, इस वाले के लिए भी इस वाले के लिए, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर तीनों के तीनों कंक्लूजन आपके क्या है, सही है। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, काफी टाइम लग रहा है, मैं बहुत ज्यादा डिटेलिंग में समझा रहा हूँ, थोड़ा सा तेज करते हैं लेक्चर को, बहुत लंबा हो जाएगा। मतलब ये तो पार्ट वन ही, इसके बाद पार्ट फोर आएंगे। आप लोगों को मैं एक चीज और बोल देता हूँ, जो एक्सपेक्टेड पेपर देख के जाएगा ना, डेफिनेटली कुछ परसेंटेज के अंदर आपके मार्क्स में इंक्रीज होगा और कुछ नहीं लगेगा आपको। दो तीन घंटे मैथ्स में, दो तीन घंटे रीजनिंग में देख के जाना, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, लेकिन शर्त ये है कि आपको एक एक चीज को लिखना है जो बता रहे हैं और उसको अप्लाई करके आना एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोले सम बेग्स आर प्लेट्स, ये लो सम बेग्स आर प्लेट्स, इसके बाद सम प्लेट्स आर चेयर्स, सम प्लेट्स आर चेयर्स, ऑल चेयर्स आर टेबल्स, ऑल चेयर्स आर टेबल्स, यही है तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं। नेक्स्ट अपन कॉन्क्लूजन पे देखते हैं, तीन कॉन्क्लूजन दिए हुए हैं, कॉन्क्लूजन फर्स्ट, कॉन्क्लूजन सेकंड और कॉन्क्लूजन थर्ड। आ जाते हैं, सम टेबल्स बीइंग प्लेट इज ए पॉसिबिलिटी। ध्यान से समझना, जो चीज बोली है ना मैंने वो ध्यान से समझना है, ठीक है। पॉसिबिलिटी में एक छोटी चीज बच जाएगी इस क्वेश्चन के बारे में, यहीं पर बता दूंगा अपने मन से क्वेश्चन बनाकर, ठीक है। अब लेकिन इसको ध्यान से समझ लेना, ये बोला है सम टेबल्स बीइंग प्लेट इज ए पॉसिबिलिटी, यानी कि ये बोल रहा है टेबल और प्लेट का कुछ हिस्सा कॉमन होना चाहिए, क्या हो सकता है, आप लोग उसको कॉमन करने की कोशिश करो, ठीक है। ये तो मैंने बोला कॉमन करने की कोशिश, अगर कोई रोकता है तो गलत हो जाएगी, नहीं तो सही हो जाएगी। अब मैं बोला कि सम टेबल्स बीइंग प्लेट, टेबल और प्लेट, टेबल और प्लेट में मैं कुछ कॉमन करने की कोशिश करूंगा, तो भाई कोशिश करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही कॉमन है। पहले से कॉमन होने का मतलब ये है कि ये बात तो ट्रू है, ये बात तो ट्रू है, डायग्राम देख के पता चल रहा है कि सम प्लेट्स आर टेबल, इसमें संभावना कहां से आ गई, ये बात तो बिल्कुल ट्रू है, इसलिए ये वाली संभावना क्या हो गई, गलत हो गई, फर्स्ट कंक्लूजन गलत हो गया। ध्यान से समझो, कंक्लूजन ट्रू है, ऑलरेडी ही ट्रू है, ऑलरेडी प्लेट और टेबल के अंदर ये हिस्सा कॉमन आ रहा है, तो मैं इसकी संभावना क्यों बताऊंगा, ये तो पहले से ही सम प्लेट्स आर टेबल सही बात है, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया, इसमें पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब बात करते हैं सेकंड वाले, समझ में आया होगा, एक छोटी चीज और बताती हूं कि पॉसिबिलिटी गलत कब होती है, ये दिमाग में चल रहा होगा, वो भी करके दिखा देंगे। नेक्स्ट आ जाओ, एटलीस्ट सम चेयर्स आर बैग, चेयर और बैग में कुछ कॉमन आ रहा है, बैग ये रहा, चेयर ये रहा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, नो चेयर इज ए बैग, चेयर और बैग में क्या डायरेक्ट क्रॉस का, अलग अलग दिख रहे हैं, देखो पहले क्वेश्चन में बताया था मैंने, लेकिन इनके बीच में क्या नहीं है, क्रॉस का रिलेशन नहीं है, इसलिए ये नो वाली क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन एक बार दो स्टेटमेंट गलत हैं, तीनों की तीनों ही गलत हो गए यहाँ पे, तो ठीक है। तो एक बार इन दोनों कहीं पर भी देख लो कि कहीं वो एलिमेंट तो सेम नहीं आ रहे, आइदर और तो नहीं बना, तो देखो फर्स्ट में देखेंगे टेबल और प्लेट से तो पॉसिबिलिटी है, इसमें आइदर और लगेगा नहीं। सेकंड में देखो चेयर और बैग, चेयर और बैग, थर्ड में देखो चेयर और बैग, दोनों जगह क्या हो गया आपका, चेयर और बैग एलिमेंट सेम हो गए, आइदर और की पहली कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि कहीं पे सम आना चाहिए, और तीसरी कंडीशन होती है कहीं पे नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। तो सम के लिए देखते हैं, सेकेंड वाला जो आपका कंक्लूजन उसमें सम आ रहा है, एटलीस्ट सम, तो ये भी फॉलो हो गई। थर्ड नेगेटिव आना चाहिए नहीं कहीं पे, थर्ड कंक्लूजन में देखो नो चेयर इज ए बैग, तो नो आ गया नहीं, नेगेटिव आ गया, तो ये कंडीशन फॉलो हो गई। तीनों की तीनों आइदर और की कंडीशन फॉलो हो गई, तो सेकंड और थर्ड में क्या हो जाएगा, आइदर और हो जाएगा। अब ऑप्शन तो आप लोग पढ़ सकते हो, ग्रेजुएशन के ऑप्शन थोड़ी समझाऊंगा कि ये टिक करके आना, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं पॉसिबिलिटी गलत कब होती है, एक क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं, डायरेक्ट डायग्राम बनाएंगे उसका और उसके बाद में देखेंगे कि वो क्या है। अब मैं ये बोल देता हूँ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डायग्राम कैसे बना होगा, मैंने लिख दिया होगा ऑल ए आर बी, ये तो आपका हो गया स्टेटमेंट, ठीक है, फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड में बोल रहा हूँ नो बी इज सी, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं कॉन्क्लूजन आपको ये दे रहा हूँ, कॉन्क्लूजन आपको ये दे रहा हूँ कि सम सी, सम सी बिंग ए इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। इसके अलावा मैं बोल रहा हूँ ऑल सी बिंग ए इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब देखो आप देखना, बोला कि सम सी बिंग ए इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है, कुछ सी को ए बनाना है मुझे,
क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, कैसे हो जाएगी? ये वाला तो क्रॉस है, ये क्या इसको बी के अंदर आने देगा तो ए तक कैसे जाएगा, क्योंकि ये पूरे बी के अंदर ही नहीं आ सकता है, बी के साथ ही क्रॉस रिलेशन है इसका। ये सी इधर आएगा तो ये क्रॉस बोलेगा किधर जा रहा है, तो ये सी और ए का कुछ हिस्सा कभी भी कॉमन नहीं हो पाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी क्या होगी गलत होगी। थोड़ा हिस्सा अब नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, ऑल सी बिंग यानी कि सारे के सारे सी को ए के अंदर लेके जाओ, थोड़ा सा हिस्सा ही नहीं जा रहा, सम वाला ही नहीं सी हो रहा, तो ऑल वाला कैसे सी हो जाएगा, तो ये पूरा हिस्सा भी इसमें नहीं जा पाएगा, क्रॉस इसको रोक लेगा, तो पॉसिबिलिटी गलत कौन कराता है, ये कराता है। इससे आप लोगों को समझ में आएगा, मैंने हालांकि कराया पेपर है आप लोगों को, लेकिन सिलोजियम के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे क्वेश्चन के थ्रू। इससे बाहर मेरे हिसाब से एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं बना पाएगा, फिर वो अगर और कहीं लेवल पे जाता है तो प्री में नहीं जाएगा, वो मेंस में जा सकता है, इससे बाहर प्री में नहीं जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो एक इनइक्वालिटी का टॉपिक होता है जिसमें से 5 मार्क्स का आता है, अगर आ जाएगा तो 5 मार्क्स का, आएगा नहीं तो नहीं है, तो ये भी आप लोगों को आना चाहिए, वही सी लोग वाली कहानी है इसमें भी, ठीक है आना चाहिए। लेकिन आपको और इस टॉपिक की सबसे अच्छी खास बात ये है, ये टॉपिक आप लेस देन 1 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन कर सकते हो, 5 मार्क्स लेके आ सकते हो लेस देन 1 मिनट के अंदर, ठीक है, तो लेस देन 1 मिनट में 5 मार्क्स लेके आ सकते हो, तो इसकी मेरे क्लियरिटी जबरदस्त होनी चाहिए आपकी। और जो मेरे स्टूडेंट जो मेरे को लगभग बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, उन सबका ये टॉपिक एटलीस्ट ये टॉपिक इतना तगड़ा क्लियर है कि वो लोग बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाते इसके अंदर, और 100% एक्यूरेसी के साथ में उसको सही करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन और कुछ रिविजन हो जाए एग्जाम में जाने से पहले, इसलिए इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसमें भी वही सिलो वाली पूरी चीज़ है कि मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट 5 क्वेश्चन के अंदर ही आप लोगों को करवा दूंगा और अच्छे से समझा दूंगा। तो इसमें देखो छोटी चीज़ बता देता हूँ जिसको नहीं पता है, इधर वाले गेट को अपन लोग ओपन मानते हैं, इधर वाले गेट को अपन क्लोज मानते हैं, छोटा सा फटाफट बता रहा हूँ, और इसको दोनों साइड से ओपन मानते हैं, ठीक है। लगभग लोगों को ये लोग पता होगी कि अपन क्या कॉन्सेप्ट मानते हैं, जिनको नहीं पता है भी पुराना वीडियो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और आइग्रो जब आएगा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे आइग्रो, जब हम लोग बता देंगे। अब देखो कैसे होता है, अब आप लोगों को फर्स्ट कंक्लूजन देखना है, स्टेटमेंट ऊपर वाला है, कंक्लूजन ये है, तो कंक्लूजन में आपको क्या देखना है, ये वाला ओपन गेट है तो आपको किधर से किधर जाना है, सी से डी जाना है, और अगर नीचे बराबर का साइन आ रहा है तो किसी भी गेट के ऊपर बराबर आपका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, तब लोग सी से चलना स्टार्ट करो डी पे पहुंच गए, सबसे सिंपल कंक्लूजन लिया है पहला, सी से डी पहुंच गए और पहले वाले गेट पे क्या नहीं छोड़ा, बराबर ने साथ में नहीं छोड़ा, तो ये तो क्या हो गया आपका सी हो गया, एकदम सिंपल चीज, तो डायरेक्ट भी दिख रहा है तो अगर वैसे नहीं निकालो तो। लेकिन नेक्स्ट वाले पे आपको ए से एच जाना है, ए से एच जाना है, यहाँ पे बराबर नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट एक गेट पे बराबर साथ छोड़ना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम, ज्यादा भी छोड़े वो ठीक है, लेकिन कम से कम एक पे छोड़ना चाहिए, सब पे नहीं, अगर किसी पे भी नहीं छोड़ेगा तो बराबर आ जाएगा यहाँ पे, इसलिए अगर बराबर नहीं हो तो ए से एच तो जाना ही जाना है, उसके साथ में एक चीज का ध्यान रखना कि बराबर साथ छोड़ दे गेट के ऊपर, ए से एच चलो, देखो ए से बी आ गया, बी से सी आ गया और सी से डी आ गया, और यहीं पे इस पे गेट पे बराबर भी साथ छोड़ चुका है आपका, ठीक है, और डी से मैं कहाँ आ गया, एच आ गया, सारे गेट ओपन है, ए से बी गेट ओपन है, बी से सी गेट ओपन है, सी से डी गेट ओपन है, और डी से एच भी गेट क्या है ओपन है, कंक्लूजन भी मिलाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो आपका सेकंड वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। और एक गेट पे बराबर ने साथ यहाँ पे छोड़ दिया, अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे बराबर और होता तो ये गलत हो जाता, क्योंकि किसी भी 1, 2, 3 और 4 चारों के चारों गेट में बराबर आ रहा है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे बराबर आना पड़ता तभी सही होता, तो ये वाला क्या गलत हो जाता अगर यहाँ पे बराबर का साइन होता, तो अभी के लिए क्या है सही। नेक्स्ट आ जाओ, बी से जी जाना है और बराबर साथ है, नहीं छोड़ना चाहिए, तो बी से चलना स्टार्ट करो, देखो बी से चलना स्टार्ट करो, कहाँ तक चल रहा है, जी तक चल रहा है, बी से सी आ गए बराबर ने साथ नहीं छोड़ा, सी से डी आ गए बराबर ने साथ नहीं छोड़ा, ठीक है, डी से एच आ गए बराबर ने साथ नहीं छोड़ा, और एच से जी आ गए यहाँ भी बराबर ने साथ नहीं छोड़ा, तो ये क्या हो जाएगी सही हो जाएगी, जैसे ही अगर बराबर साथ छोड़ देता तो ये क्या हो जाता गलत हो जाता। नेक्स्ट आ जाओ, बी से सी जाना है आप लोगों को, बी से चलना स्टार्ट करो भाई, बी कहाँ है, बी से जी आ गया, ठीक है, सी इधर आएगा, ठीक है, तो जी से आगे मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ, तो कैसे जाऊँगा सी के ऊपर, जी से आगे कहीं जा ही नहीं पा रहा हूँ और जी से इधर आ नहीं पाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि बी से जी आ गया, जी के आगे क्या हो गया गेट यहाँ पे क्या हो गया बंद हो गया, देखो ये वाला गेट बंद है ना यहाँ पे, ये गेट बंद हो गया, क्लोज गेट है, ये तो ओपन था इसलिए बी से जी आ गया, लेकिन जी से जब आगे जा रहा था तो यहाँ गेट बंद हो गया, तो क्या हो गया गलत हो गया, यानी कि इसमें कंक्लूजन फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों क्या है सही है, फोर्थ वाला गलत है। नेक्स्ट आपका बोल रहा है बी से पी जाना है और बराबर एटलीस्ट एक जगह पे साथ छोड़ना चाहिए, क्योंकि बराबर नहीं है यहाँ पे, बी से चलना स्टार्ट करो, देखो बी से टी आ गया, टी से एम आ गया और एक जगह बराबर ने साथ भी छोड़ दिया, तो अपना काम तो हो गया, एक जगह बराबर साथ छोड़ना चाहिए, ठीक है, एम आ गया और एम से पी भी आ गया, तो ये सही है।
सही इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे बराबर ने साथ छोड़ दिया था, एक जगह छोड़ना चाहिए क्योंकि यहाँ पे नहीं है, और अगर यहाँ पे बराबर होता तो साथ नहीं छोड़ने देता। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? आ जाओ सेकंड वाले में, टी से एच की ओर जाने पर बराबर साथ नहीं छोड़ना चाहिए। चलना स्टार्ट करो, देखो टी से एच की ओर, टी से एम आ गया बराबर ने साथ नहीं छोड़ा, ठीक है, एम से पी आ गया बराबर ने साथ नहीं छोड़ा। देखो एम से एच जाई नहीं, पी से एच जाई नहीं पाया, तो बराबर की बात तो बाद में करेंगे, यहीं पे गेट क्या हो गया, यहीं पे क्लोज हो गया, देखो ये बंद हो गया गेट, तो पी से आगे जा ही नहीं पाएगा, ये क्या गेट बंद हो गया। तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट क्लोज, ये ग्रेटर देन लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू वाली सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट आइडल को, एकदम डिटेल में खोल के पूरा पूरा समझ लेते हैं। अब देखो इनइक्वलिटी के अंदर ही कुछ आइडल के क्वेश्चन, मुझे पांच ही करवाने थे, इसमें एक एक क्वेश्चन ही था दोनों के अंदर जो मैंने क्वेश्चन लिए थे, लेकिन इसमें मैंने और केसेस बना दिए ताकि जो भी छोटे मोटे कन्फ्यूजन रहे हैं आज तक के आइडल में वो यहीं पर दूर हो जाए, इसलिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में इसको बांट दिया है, तो आप लोगों को यहीं पर क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। अब देखो जब भी एक टाइप का तो ये होता है आइडल का केस, जो यहाँ पे फर्स्ट तीन से लेकर छः नंबर क्वेश्चन तक यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें एक तो इक्वल टू का साइन होता है और एक लेस देन का होता है। तो सबसे पहली जो कंडीशन होती है हमारे आइडल रोल की वो तो होती है एलिमेंट सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले में देखो एलिमेंट सेम आ गए, एन एस एलिमेंट सेम आ गए। इसमें अब एक तो बराबर वाला कॉन्सेप्ट होता है और एक ये तीनों साइन वाला कॉन्सेप्ट। सबसे पहले बराबर वाला कॉन्सेप्ट समझो, देखो जब भी एक जगह बराबर का साइन दिखे और एक जगह पे लेस देन या इक्वल लेस देन और ग्रेटर देन का साइन दिखे, तब आप ये मान के चलो एलिमेंट अगर सेम होता है इधर हो सकता है। तो इस कंडीशन में करना क्या होता है, जैसे एन बराबर एस है एन लेस देन एस है, तो इन दोनों को कंबाइन कर लो, आप लोग दोनों कॉन्क्लूजन को कंबाइन कर लो। कंबाइन कैसे हो जाएगा, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ कंबाइन करके एन लेस देन एस इक्वल टू, कंबाइन करने के बाद मैं ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, यानी कि कुल मिलाए बात है यहाँ पे इक्वल टू लगा लो अपने दिमाग के अंदर ही, क्वेश्चन में नहीं अपने दिमाग में। अब आप लोग क्या सोचो कि मुझे कहाँ चलना है, एस से एन तक चलना है और बराबर साथ नहीं छोड़ना चाहिए, इसको चेक कर लो। अब देखो एस से चलना स्टार्ट करो, एस से कहाँ चल के आ गया मैं, एस से ओ तक चल के आ गया बराबर ने साथ नहीं छोड़ा, ठीक है, ओ से एन तक चल के आ गया बराबर ने साथ नहीं छोड़ा। इसका मतलब ये कंबाइंड किया हुआ स्टेटमेंट क्या हो गया, कंक्लूजन क्या हो गया, सही हो गया। तो इस क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है, आइदर ओर है, आइदर ओर यहाँ पे लग जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर यहाँ पे आइदर ओर सही रहेगा। सेकेंड के अंदर देखो, अब यहाँ पे देखो फिर एन बराबर दोनों एलिमेंट सेम आ गए, पहली चीज दोनों को मैंने कंबाइंड कर लिया, कंबाइंड करने के बाद कैसे लिखूंगा, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एस। इस बार मुझे कहाँ से कहाँ जाना है, एन से एस की ओर जाना है और बराबर ने साथ नहीं छोड़ना है। अब देखो मैं एन से एस की ओर जाने की कोशिश करूंगा, एन से मैं चला ओ ही नहीं आ पाया, इधर एम आ पाया, एम एम के बाद में मैं आगे जा ही नहीं सकता हूँ कहीं एस के लिए, ठीक है। तो यहाँ से एन से मैं एस पहुँच ही नहीं पाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे ये गलत होगा तो ये तो गलत हो ही जाएगा डेफिनेटली, ये तो डेफिनेटली ही गलत हो जाएगा। इसको एक बार दोबारा चेक कर लो कि बराबर साथ बिना छोड़े हुए तो नहीं पहुंच रहा है एन से एस, तो एन से एस तो वैसे भी नहीं पहुंचेगा वो, इसको दोबारा चेक करना है एन एन ग्रेटर देन एस, तो एन से एस पहुंचना है बराबर एन से साथ छोड़ना चाहिए, तो एन से चलने की कोशिश की कहीं जा ही नहीं पाया, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस कंडीशन में दोनों कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ इसमें, अब आपको बोल रहा है ये आर पी के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, दोनों को कंबाइंड कर लिया मैंने, इसको मिटा देता हूँ मैं। सबसे पहली कंडीशन एलिमेंट सेम, आर पी सेम हो गए, दोनों को मैंने कंबाइंड किया तो क्या आएगा, आर लेस देन इक्वल टू पी, ठीक है। अब पी से आर की ओर आना है और बराबर साथ नहीं छोड़ना चाहिए, पी से चलना स्टार्ट करो, देखो पी से मैं कहीं जा सकता हूँ, पहला ही गेट क्लोज हो गया, कहीं जा ही नहीं सकता हूँ मैं, तो पी से आर कैसे चला जाऊंगा, तो ये वाला क्या कंबाइंड किया हुआ गलत हो गया, इसका मतलब आइडर तो गलत होगा ही होगा, तो ये तो डेफिनेटली ही गलत हो गया। एक सेकेंड, ऊपर वाला बता रहा था मैं, ये गलत नहीं है, अपन लोग क्वेश्चन नंबर फाइव की बात कर रहे थे, ठीक है, तो इसमें ये यहाँ नहीं जा पा रहे, तो ये तो गलत हुई हो गया, आइदर ओर तो लगेगा ही नहीं। अब इसको दोबारा चेक करना, दोबारा इसलिए चेक करना, कई बार ये सही हो जाता है, ठीक है, आर से पी जा पाएगा कहीं, पी से आर आ पाएगा, पी से कहीं भी नहीं जा सकता, तो आर पे कैसे आ जाएगा, ये तो गलत हो गया, समझ गए। कंबाइंड चेक करना है, अगर कंबाइंड सही हो जाए तो आइदर ओर हो जाएगा, वरना ये बराबर वाला तो गलत हो ही जाता है, दूसरे वाला अलग से चेक कर लो जैसे अपन नॉर्मली चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ, यहाँ पे देखो दोनों कंबाइंड किया मैंने, आर ग्रेटर देन इक्वल टू पी हो गया, आर से पी जाना है और बराबर साथ नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है, मैंने आर से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, आर से ओ आ गया बराबर ने साथ नहीं छोड़ा मेरा, ठीक है,
ओ से में पी आ गया लेकिन बराबर में साथ छोड़ दिया यहाँ पे, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइदर और तो होगा नहीं, इसलिए ये वाला तो गलत हो गया। अब इसको चेक कर लो, देखो आर से पी जाना है, आर से ओ आ गया, ओ से पी आ गया, तो ये सही हो जाएगा। सिर्फ कंक्लूजन फर्स्ट टाइम क्या हो गया, सही हो गया। अब जब दोनों गलत होते हैं ना, कई लोग बोलते सर आइदर और ए से आएगा तो नाइदर नोर कैसे आ जाएगा। नाइदर नोर कब होता है, जब दोनों कंक्लूजन गलत हो जाए ना, तब नाइदर नोर हो जाएगा। नाइदर फर्स्ट फॉलो नोर सेकंड फॉलो, यानी कि ना ही तो फर्स्ट फॉलो करता है ना ही सेकंड फॉलो करता है, यानी दोनों गलत है, तो उस कंडीशन में नाइदर नोर आ जाएगा। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अब देखो यहाँ पे भी एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम है, जब एलिमेंट सेम हो जाए और तीनों साइन आ जाए, तीनों साइन वाले देखो ग्रेटर देन भी आ गया, लेस देन भी आ गया, इक्वल टू भी आ गया, ग्रेटर देन भी आ गया, लेस देन भी आ गया, इक्वल टू भी आ गया, और तीनों साइन आ जाए तो लगभग मान के चलो इधर और का केस बनेगा ही नहीं, ठीक है। जैसे आपने देखा टी एच एलिमेंट सेम, ग्रेटर देन भी आ गया, लेस देन भी आ गया, इक्वल टू भी आ गया, तो मतलब आइदर और तो बनेगा ही बनेगा, लगभग 99.99% चांस है, ठीक है। अगर आपके पास 5 सेकंड का टाइम बचा है, ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने फंस गया तो फटाफट आइदर और लगा के चले आना। फिर भी कई बार आइदर और नहीं होता है, वो कैसी कंडीशन होती है वो मैं बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप लोग ये देखो कि इसके अंदर आइदर और कैसे लगेगा, ठीक है। तो इसमें आइदर और लगभग होगा ही होगा, किसी चांस में एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन डाल देता है कि ऐसा दिखा के आपको आइदर और नहीं दे रहा, वो गलत करवा देगा उस क्वेश्चन को। तो आप इसको कन्फर्म कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो एलिमेंट सेम हो गया, तीनों साइन आ गए तो आइदर और की संभावना है। दूसरा क्या करो, इसके अंदर टी से एच जाओ और एच से टी जाओ, यानी कि आपस में आके देखो, अगर किसी भी साइड से किसी भी साइड अगर आप पहुंच जाते हो तो आइदर और नहीं लगेगा, या तो टी से एच पहुंच गए या फिर एच से टी पहुंच गए, किधर से भी अगर आप पहुंच गए ना तो आपका आइदर और नहीं होगा, और अगर नहीं पहुंचे दोनों कंडीशन में तो आपका आइदर और 100% हो जाएगा। तो अब देखो मैं टी से एच चलने की कोशिश करता हूँ, टी से एम आ गया, एम से पी आ गया, पी से एच आ ही नहीं पाया। अब देखो एच से टी जाने की कोशिश करता हूँ, एच से पी आ गया, पी से एम ही नहीं आ पाया, तो टी कैसे जाऊंगा, तो दोनों साइड से ही मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ और एलिमेंट से मैं तीनों साइन आ गए, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो जाएगा, आइदर और लग जाएगा, आइदर और सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में आइदर और लग जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको दिखा कि एलिमेंट सेम, एलिमेंट सेम, ठीक है, एलिमेंट सेम हो गए दोनों के दोनों, ठीक है, और तीनों साइन आ गए। अब इसमें भी टी से एच चले जाओ, एच से टी चले जाओ, नहीं पहुंच पाओगे, सेम चीज है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, आइदर और लग जाएगा, समझ रहे। अब मैं एक चीज और बताया था, उसके बाद में मैं बताऊंगा कि आइदर और कब नहीं लगता है, ठीक है, आइदर और यहाँ तो लग गया, कब नहीं लगता है, ठीक है। तो 100% कंफर्म करने की बता दें, टी से एच चले जाओ, एच से टी चले जाओ, आपस में जाके देख लो, अगर नहीं पहुंच पाते हो तो 100% आइदर और है, अगर पहुंच जाते हो तो गड़बड़ हो जाती है, वो मैं कैसे होती है गड़बड़ मैं बताऊंगा। लेकिन एक बार आजकल एक नया तरीका खोजा एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि तीनों साइन आने चाहिए, उसमें ग्रेटर देन भी हो गया, इक्वल टू भी हो गया, लेस देन भी हो गया, लेकिन वो क्या करेगा, इस वाले ने जो कंक्लूजन आपको दिया है इसको उल्टा लिख के दे देगा, वो इस वजह से लिख देगा एच ग्रेटर देन इक्वल टू टी। बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है ना, तो आप लोग ये वाला साइन ना टी के लिए लेस देन है, अब इस ग्रेटर देन को साइन को मैं टी के लिए तो ग्रेटर देन मानूंगा, एच के लिए तो ये लेस देन है, तो टी के लिए ये ग्रेटर देन का साइन है, तो ये वाला साइन टी के लिए तो लेस देन है ना, और ये वाला इक्वल टू है, तो इस तरीके से देखा करो। कई बार ऐसा कंफ्यूजन करो तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, ये वाला साइन लेस देन ही है टी के लिए, ये टी के लिए ग्रेटर देन है, टी के लिए ग्रेटर देन है, तो ये टी के लिए क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, देखो टी की साइड छोटा वाला साइन है तो टी की साइड में लेस, तो इसमें भी आइदर और ही लगेगा, कहीं ये मत मान लेना कि सर ये भी ग्रेटर देन तो इसमें आइदर और नहीं लगेगा, ये आपको क्या कहते हैं घुमा के दे देता है, ऐसे नीचे वाले में भी घुमा के दे सकता है, एच इधर दे देगा और लेस देन इधर ऐसे दे देगा, तो भी ये इसमें आइदर और सही होगा, क्योंकि इसी को घुमा के लिखा है, कुछ और यहाँ पे नहीं किया गया, ये कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। अब यहाँ इसको किसी को समझ में नहीं आता है, देखो कि टी के लिए देखो आप सिर्फ साइन पहले वाले के लिए, टी के लिए ये लेस देन है तो टी के लिए ये क्या है ग्रेटर देन है, और ये तो बराबर है, ये ऊपर वाले में देखो टी के लिए ये ग्रेटर देन है तो टी के लिए ये वाला क्या होगा लेस देन ही होगा, ये बराबर है, एक एलिमेंट के लिए देख लो अगर कभी ऐसा कन्फ्यूजन आता है तो, ठीक है, तो ध्यान रखना ऐसी चीज़ों का, कभी कई बार कन्फ्यूजन कर देता है। अब गलत कब होता है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ, सेम क्वेश्चन रखना आप लोग यहाँ पे और मैं इस साइन को चेंज करके ग्रेटर देन कर लूँगा, क्वेश्चन चेंज हो चुका है, अब आइदर और यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन कर दिया है, अब अपन लोग इसको देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें देखो टी एच तीनों साइन आ गए,
ठीक है, अब मेरे को शक हुआ कि इधर और हो सकता है, तो मैं टी से एच जाने की कोशिश करूंगा और एच से टी आने की कोशिश करूंगा। देखो टी से एच जाता हूँ मैं, ठीक है, तो टी से एम आ गया, एम से पी आ गया, पी से एच चला गया, चला गया तो टी से एच जाता ही ये आइदर और नहीं होगा, आइदर और बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर एक साइड से पहुंचा तो टी से एच पहुंच गया, एच से टी फिर नहीं देखना है, एक साइड से पहुंच गए बहुत है, अगर इधर से नहीं पहुंचता दूसरे साइड से मैं चल के देखता मैं, लेकिन टी से एच पहुंच गया मैं, देखो टी से एम आ गया, एम से पी आ गया, टी से एच आ गया। अब इस कंडीशन में क्या करो आप लोग, इनको अलग अलग चेक कर लो, ठीक है। अब देखो टी से एच पहुंच गया मैं, तो टी ग्रेटर देन एच तो सही हो जाएगा, टी से एच पहुंच गया, देखो टी से एम आ गया, एम से पी आ गया, पी से एच आ गया, और एक जगह बराबर ने साथ छोड़ दिया, तो नॉर्मली ये क्या हो गया, सही हो गया, तो दूसरा वाला अपने आप ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नीचे वाला भी देखते हैं इसके अंदर सेम टू सेम, आइदर और तो नहीं होगा, कंफर्म बात है क्योंकि टी से एच पहुंच गया मैं, आइदर और तो इसमें भी नहीं होगा। अब इसमें देख लेते सही होगा या नहीं होगा, टी से एच पहुंच गया तो क्या एच से टी पहुंच सकता हूं मैं, इसको चेक करना है तो एच से टी पहुंचना पड़ेगा, एच से कहीं जा ही नहीं सकता, तो ये गलत हो गया, ठीक है। टी से एच जाना है और बराबर साथ नहीं छोड़ना चाहिए, बराबर साथ नहीं छोड़ना चाहिए, टी से एम आ गया, एम से पी आ गया, पी से एच आ गया, लेकिन बराबर ने भी क्या कर दिया साथ यहाँ पे छोड़ दिया, तो ये गलत हो गया, बराबर ने साथ छोड़ दिया। अगर ये बराबर हो जाता है यहाँ पे, मान लीजिए क्वेश्चन चेंज करके बराबर कर दिया, तो ये वाली कंडीशन क्या बनती, सही हो जाती, ठीक है। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए वाली कंडीशन क्या है, गलत है। यहाँ तक समझ गए होंगे, होपफुली आइदर और हो, कैसी भी चीज़ें हों, इनइक्वालिटी के अंदर आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब कुछ क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के और कुछ क्वेश्चन डायरेक्शन के ऊपर देख लेते हैं, ताकि हमारा पहला पार्ट यहाँ क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए एक्सपेक्टेड पेपर का। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे ही कन्फ्यूजन होंगे जो मैं बता रहा हूँ, और इस तरीके से आपको सोल्व करने होंगे, ठीक है। अगर आप लोग नए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और हमें भी थोड़ा सा ये पता चलेगा कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ेगी, हम काम को भी और ज़्यादा करने का दबाव बढ़ेगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, हमारे लिए अच्छा रहेगा। इसलिए जो लोग नए हैं ना, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो कब आ रहा है और कब नहीं आ रहा है, और हमारी मेहनत भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ठीक है, इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ। और बाकी इसके बाद हम लोग ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखते हैं, चलिएगा अब ब्लड रिलेशन के ऊपर आते हैं। देखो एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में कई सारी चीज़ें जो जनरली आप लोगों को नहीं पता होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर दूंगा। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, उसके बाद हम ब्लड ट्री बनाते हैं। ब्लड ट्री किसी को नहीं बनाना आता है, तो मैं छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ। अपन सर्कल को फीमेल को सर्कल से डिनोट करेंगे, और जो मेल होगा उसको रेक्टेंगल या जो भी ये आप इसको स्क्वायर बोल दें इससे डिनोट करेंगे, और जो कपल होगा उसको इस तरीके से डिनोट करेंगे, भाई बहन होंगे उनको इस तरीके से डिनोट करते हुए चलेंगे, ठीक है, समझ गए। अगर ये इनके बेटे हैं तो इसको ऐसे नीचे वाली पीढ़ी की साइड लेके आ जाएंगे, तो इस तरीके से ब्लड ट्री होगा, ठीक है। ज़्यादा डिटेल के लिए मेरे जो पुराने लेक्चर हैं वो देख लेना। अब आ जाते हैं ब्लड ट्री कैसे बनाना है। देखो सबसे पहले मैं इंस्ट्रक्शन दिखा रहा हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ स्पेशल बातें, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है कि अगर वैसा कुछ नॉर्मल चीज़ तो आप लोग कर ही लोगे, अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो आप लोग कैसे करोगे। देखो यहाँ पे बोला गया है जेड इज सिस्टर ऑफ जे, तो यहाँ पे जेड और जे के बारे में बोला, जेड इज सिस्टर ऑफ जे, यहाँ पे ये चीज़ बोली गई। नेक्स्ट में बोला के इज ब्रदर ऑफ एल, तो जेड और जे से तो आगे बढ़ी नहीं रहा डायग्राम ब्लड ट्री, ठीक है। अब कुछ लोग इस जे को भाई बना देंगे या बहन बना देंगे, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इस जे के जेंडर के बारे में तो आपको पता ही नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें देखो क्लियर रखो, यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला जेड इज सिस्टर ऑफ जे, जेड तो सिस्टर इसलिए है तो फीमेल है, जे का क्या पता कि भाई है या बहन है, कुछ पता ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं क्वेश्चन ने, तो इसको ऐसा कैसा छोड़ दो, इसका जेंडर हमें नहीं पता। अब नेक्स्ट आ जाओ आप लोग, के इज ब्रदर ऑफ एल, अब यहाँ से तो कुछ के और एल का कुछ मतलब ही नहीं, तो अलग से बना लो इसको, छोड़ दो। यहाँ पे बोल रहा है के इज ब्रदर ऑफ एल, के इज ब्रदर ऑफ एल, ये लिख दिया हमने, ठीक है, के इज ब्रदर ऑफ एल। अब आ जाओ, तो के ब्रदर है एल का, तो मुझे नहीं पता कि एल भाई है बहन है, तो मैंने उसको ऐसा कैसा छोड़ दिया। उसके बाद बोला के हैज ओनली वन सन, यानी के की शादी भी होगी, इसका एक ही बेटा होगा, तो ये मैंने बना के छोड़ दिया कि इसका एक ही बेटा होगा, बेटी और हो सकती है लेकिन बेटा एक ही होगा, सन एक ही होगा, डॉटर और हो सकती है। एम इज द वाइफ ऑफ के, एम क्या है, के की वाइफ है, तो ये एक पूरा कपल हो गया, और ये कपल का एक बेटा हो सकता है, बाकी की बेटियां भी हो सकती हैं, ठीक है। बेटा सिर्फ एक है, इसलिए मैंने बना दिया, बेटियां कितनी हमें नहीं पता, बेटियां हो सकती है, कुछ लोग सिर्फ एक बेटा है, इसका मतलब ये नहीं कि बेटी है ही नहीं, बेटी हो सकती है, बेटा एक ही है, सन एक ही है, डॉटर हो सकती है और भी, ठीक है, ये बोला है क्वेश्चन ने। एम इज द वाइफ ऑफ के हमने बना दिया। इसके बाद एम इज द डॉटर ऑफ जेड, एम क्या है, डॉटर ऑफ जेड, जेड की क्या है, डॉटर है। अब जेड और जे देखो यहाँ आया था, तो सेम टू सेम बना दो,
जेडीए हो गया, जे का हमें नहीं पता, तो इससे मतलब हमारा कम खत्म हो गया। अब ये आगे पीछे देखिए आपको कंफ्यूज करता है एग्जामिनर कि आपको पता नहीं चलता डायग्राम कहाँ से बनाऊँ, ठीक है, इसलिए कोई मतलब नहीं था, यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया तो वो खत्म हो गया, पूरे चीज़ें काम में आ चुकी हैं। अब लास्ट में जे इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एक्स। अब ब्रदर इन लॉ क्या होता है, इन लॉ जो मतलब ससुराल की साइड से जितने भी लोग होते हैं ना वो इन लॉ जाते हैं, यानी कि अगर कोई कोई आदमी है जो उसकी अगर वाइफ है, उसकी वाइफ के माता और पिता उसके फादर इन लॉ और वो हो जाएंगे मदर इन लॉ हो जाएंगे, मतलब उस मतलब अगर आपको ब्रदर इन लॉ बोले, ठीक है, अगर किसी लड़की को ब्रदर इन लॉ बोला जाए तो उसके उसका जो हस्बैंड है उसके भाई बहन उसके बारे में बोल रहा है ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ। अगर मदर इन लॉ बोल रहा है तो लड़की का जो हस्बैंड है उसके मदर और फादर के बारे में बात तो कर रही है। इन लॉज का मतलब है कि सेम रिलेशन उसके हस्बैंड के साथ है उसके, इसी तरीके हस्बैंड पर रूल लागू होते हैं। हस्बैंड के लिए ब्रदर इन लॉ बोलेगा तो उसकी वाइफ है उसका भाई हो गया, यानी एक तरीके से साला हो गया अगर अपन देसी भाषा में बोले, ठीक है। और उसके बाद में अगर अपन लोग जाते हैं उसके वाइफ के माता पिता हो गए तो उस जो हस्बैंड है उसका उसके लिए वो मदर इन लॉ फादर इन लॉ हो जाएंगे। इन लॉज का मतलब है कि अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साइड से सोचो, ठीक है, तब आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई लड़की के लिए बोल रहा है तो उसके हस्बैंड वाले साइड से सारे भाई बहन उसके हस्बैंड के भाई बहन उसके ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ हो जाएंगे, उसके हस्बैंड के माता पिता उसके मदर इन लॉ और फादर इन लॉ हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। जे इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एक्स, ब्रदर इन लॉ बोल दिया जे को, इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया कि ये है तो मेल, तो इसका जेंडर यहाँ पे क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब बोल रहे ब्रदर इन लॉ ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स का ब्रदर इन लॉ का मतलब हो गया, ठीक है, जो एक्स एक्स का जो हस्बैंड या वाइफ है, अभी एक्स का हमें नहीं पता हस्बैंड है, एक्स या हस्बैंड एंड वाइफ के भाई या बहन का भाई बहन भाई है, ठीक है, तो जे की बहन है जेड, तो इसका पति होगा एक्स और ये दोनों शादीशुदा होंगे, तभी जे इसका क्या होगा ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, यानी एक्स का ये क्या हो गया साला हो गया एक तरीके से, क्योंकि जे की क्या है एक बहन है यहाँ पे दी हुई है। अब बहन का जो हस्बैंड होगा, ठीक है, उसके लिए ये बोला गया कि जे उसका ब्रदर इन लॉ है, तो एक्स का ब्रदर इन लॉ कैसे हो गया यहाँ पे जे हो गया, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ तक ये जो भी अपने को दिया गया था वो हम लोगों ने कर लिया। अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन ही मैंने लिया है जिसके अंदर आपको दो वर्ड दिख रहे होंगे, पैटर्नल ग्रैंडफादर और मैटर्नल ग्रैंडफादर, ये कई लोगों ने नहीं सुने होंगे तो ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ठीक है। दादा इंग्लिश वालों के लिए कन्फ्यूजन हो जाता है, दादा और नाना, ठीक है। देखो अगर आपके पापा की साइड से ग्रैंडफादर बोलते तो वो आपके दादा और दादी हो गए, ठीक है। अगर आपको कोई बोलता है कि ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का मतलब ये होता है कि आपका नाना भी हो सकता है और आपके दादाजी भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पैटर्नल ग्रैंडफादर बोलते हैं तो आपके दादा ही हो गए क्योंकि वो आपके पिता की साइड से हैं, पैटर्नल पिता की साइड से। अगर मैटर्नल बोल दिया तो मैटर्नल ग्रैंडफादर बोल दिया तो वो आपके नाना हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, मैटर्नल लगा दिया आपकी मदर की साइड से, बस सिंपल सी बात है। मैटर्नल लगा दिया मतलब मदर की साइड से सोचो, पैटर्नल लगा दिया मतलब अपने पापा की साइड से यानी कि फादर की साइड से सोचो। यहाँ तक क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन देखो, इफ वी इज हस्बैंड ऑफ वाई एंड सन ऑफ एम, तो वी के लिए बोल रहा है, एंड का मतलब फर्स्ट पर्सन के लिए बोलता है, वी इज हस्बैंड ऑफ वाई, वी हस्बैंड है वाई का एंड सन ऑफ एम, तो वी किसका है सन ऑफ एम, तो वी का एक ही सन है वैसे भी, ठीक है। वी इज द हस्बैंड ऑफ वाइफ, वाई का वाई के साथ इसकी क्या हुई शादी हुई है, तो ये क्या हो गया एक कपल हो गया, ठीक है। देन हाउ एक्स रिलेटेड टू वी, एक्स वी के साथ किस तरीके से रिलेटेड है, ठीक है, तो अब एक्स वी के साथ कैसे रिलेटेड है ध्यान से समझना। ऑप्शन दिया हुआ है, वी के पिता कौन है के और वी की माता कौन है एम। अब ये जो एक्स है ना वो एम के क्या है पापा है, यानी इसकी जो वी की जो मदर है उसके फादर है कौन एक्स, इसका मतलब एक्स वी के लिए क्या हो जाएंगे, ठीक है, मैटरनल ग्रैंडफादर यानी कि नाना। हिंदी में तो आपको ऑप्शन ई दे दिया गया है नाना, लेकिन इंग्लिश में आपको दिया गया पैटर्नल ग्रैंडफादर और मैटर्नल ग्रैंडफादर, तो आपको मैटर्नल ग्रैंडफादर लगाना है, पैटर्नल ग्रैंडफादर नहीं लगाना है, इस चीज़ का आप लोगों को एकदम अच्छे से यहाँ पे ख्याल रखना है, ठीक है। ध्यान से समझना, दोबारा बताता हूँ, वी का एक्स के साथ क्या, एक्स का वी के साथ क्या रिलेशन ये पूछा गया। देखो वी से चलो, वी के फादर के और मदर एम, तो मदर के पिताजी है ये, इसका मतलब नाना हो गए, ठीक है, तो यानी कि मैटरनल ग्रैंडफादर हो गए, समझ गए, तो अपना क्वेश्चन फर्स्ट हो जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ के रिलेटेड टू वाई, के वाई से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, के का रिलेशन पूछा है वाई के साथ में। देखो के का बेटा वी और वी की
वाइफ है वाई, ठीक है। तो के का वाई से क्या रिलेशन हो गया, ये ससुर हो गया एक तरीके से वाई का, ठीक है, क्योंकि बेटे की वाइफ है तो ससुर हो गया। ससुर को क्या बोलेंगे, फादर इन लॉ बोलेंगे। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फादर इन लॉ। समझ गए यहाँ तक, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब देखो एक ऑप्शन कई बार कांट बी डिटरमाइन वाला आता है, ठीक है, तो उसके लिए कब कैसे करते हैं, तो मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ आपको, हाउ एल रिलेटेड टू एम, एल का एम के साथ क्या रिलेशन है। अब एल का तो कुछ जेंडर ही नहीं पता तो कैसे रिलेशन बताओगे, तो यहाँ पे आप लोगों को लिख देना है कैन नॉट बी डिटरमाइन, हाउ एल रिलेटेड टू एम, ठीक है। तो एल या तो ब्रदर इन लॉ होगा एम का या सिस्टर इन लॉ होगा एम का, लेकिन ब्रदर इन लॉ है या सिस्टर इन लॉ हमें नहीं पता, जेंडर नहीं पता, तो यहाँ पे सिर्फ कैन नॉट बी डिटरमाइन यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं डायरेक्शन के क्वेश्चन की ओर। अब देखो डायरेक्शन में क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं सिंपल सी बात बता देता हूँ आपको, आपको हमेशा ऐसे ही स्टार्ट करना है, ये आप लोग बना लेना अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है, और इसके अंदर डायरेक्शन लिख लेना, ठीक है। और डायरेक्ट जैसे नॉर्थ हिंदी वालों के लिए उत्तर, और ये आपका हो जाएगा साउथ यानी कि दक्षिण, और ये हो जाएगा आपका वेस्ट यानी कि पश्चिम, ठीक है। नॉर्थ इधर हो गया साउथ, इधर हो गया वेस्ट, इधर हो जाएगा ईस्ट, आपका मतलब पूर्व। ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अब आपको हमेशा क्वेश्चन स्टार्ट करना है यहाँ से, उसके बाद में चलते जाओ बस जैसे जैसे बोलता है वो, ठीक है। अब एक इसमें राइट लेफ्ट का लफड़ा होता है, जैसे आप इधर जा रहे हो तो इसको ऐसे कर लो अपने हाथ को, तो नीचे की साइड आपका राइट की साइड राइट हो जाएगा और लेफ्ट की साइड लेफ्ट हो जाएगा। अगर आप इस साइड चल रहे हो तो अपने दिमाग में सोचो, ठीक है, इस साइड जा रहे हो तो आपका राइट ये हो गया, तो आप राइट की साइड ये हो गया और ये लेफ्ट हो गया। अगर आप ऊपर जा रहे हो तो इधर आपका राइट हो गया, इधर आपका लेफ्ट हो गया। अगर आप नीचे जा रहे हो तो ऐसे देखो, ठीक है, इधर आपका राइट हो गया, इधर आपका क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर आप ऊपर की ओर जा रहे हो तो आपका राइट राइट हो गया, लेफ्ट लेफ्ट हो गया। नीचे की आ रहे हो तो उल्टा हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा। अगर आप इस साइड जा रहे हो तो ऊपर की साइड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, नीचे की साइड लेफ्ट हो जाएगा। अगर आप इस साइड जा रहे हो तो इधर राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा, या तो रटो तो रट लो, रटे तो जाएगा नहीं मेरे हिसाब से। तो इसको ऐसे समझ लो जैसे मैंने समझाया लेफ्ट राइट को। आज बहुत लंबा हो गया वीडियो, मैंने सारे कॉन्सेप्ट भी साथ में बता दिए, पेपर में सिर्फ क्वेश्चन ही कराने चाहिए, कोई बात नहीं, जितना सीखेंगे उतना फ़ायदा रहेगा हमारे लिए। आ जाइए, रवि अपने घर से यात्रा आरंभ करता है और वह दक्षिण दिशा की ओर 4 किलोमीटर की चलता है, दक्षिण दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलता है। तो रवि को चला दो 4 किलोमीटर, रवि चल गया 4 किलोमीटर, यहाँ तक आ गया, ये 4 किलोमीटर चल के यहाँ आ गया दक्षिण दिशा में, ठीक है। अब रवि वह बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ेगा, ठीक है, बाएं का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट साइड, ठीक है। इंग्लिश वालों को समझ में नहीं आता, इंग्लिश में बोल देता हूँ, देखो रवि स्टार्ट हिज जर्नी फ्रॉम होम, होम से स्टार्ट किया इसने, यहाँ पे इसका होम है। ही वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड साउथ की साइड में 4 किलोमीटर आ गया। ही टेक्स ए लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न लेगा। अब देखो नीचे की साइड आ रहा है तो इधर राइट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया, तो चला दो, देखो नीचे की साइड ऐसे जा रहा है, ऐसे समझ लो, ठीक है, तो ये राइट हो गया, ठीक है, और ये लेफ्ट हो गया। समझ गए ना, समझ लो उन सारी चीज़ों को, ठीक है। नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, तो वही ऊपर की ओर जाता तो ये राइट होता है, लेफ्ट होता, ठीक है। नीचे की ओर आ रहा तो उल्टा कर दो, ठीक है, तो लेफ्ट की साइड चला दो इसको, लेफ्ट की साइड 8 किलोमीटर चला दो, देखो ये चल गया 8 किलोमीटर, सीधा सीधा चलाओ भाई, सीधा बना देते हैं थोड़ा सा इसको, इसका डबल दिखना चाहिए बस। ये लो 8 किलोमीटर चला दिया लेफ्ट की साइड में, ठीक है, थोड़ा सा और चला देते हैं, ये 8 किलोमीटर हो गया। उसके बाद में वो क्या बोल रहा है, 8 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। अब इधर चल रहा है, दाईं ओर मुड़ता मतलब नीचे की साइड जाएगा, दाईं ओर कितनी किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चलता है, फिर 4 किलोमीटर चला दो ये लो, दाईं ओर मुड़ के ये लो 4 किलोमीटर चल गया। इसके बाद में क्या बोलता है, और 4 किलोमीटर चलता है, वह दाईं ओर मुड़ने के बाद 14 किलोमीटर चलता है, फिर से दाईं ओर मुड़ेगा 14 किलोमीटर। अब नीचे की ओर जा रहा है तो दाईं ओर किस साइड हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, तो दाईं ओर मुड़ा दो इसको, ठीक है। नीचे की साइड आ रहा है तो इधर दाईं ओर चला दो इसको, समझ जाओ। अब आ जाओ, कितना चलाना है, 14 चलाना है, ये टोटल तो हो गया 14, लेकिन ये 8 था और ये इधर वाला क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, समझ गए। यहाँ पे वो आ गया यहाँ पे, अब आगे क्या बोल रहा है, अंत में वह अपने कार्यालय पहुँच जाता है, यानी ऑफिस पहुँच जाता है, ये उसका था होम था। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं अपन लोग। रवि का घर उसके कार्यालय के संदर्भ में किस दिशा में है, रवि का घर उसके कार्यालय के संदर्भ में, ऑफिस के संदर्भ में उसका घर किस दिशा में, जहाँ से भी दिशा पूछता है ना वहीं पे ये बना दो, किस साइड में है होम, इस साइड में, ये कौन सी दिशा है,
ईस्ट है, एक एनसीए नॉर्थ है, तो आपका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट साइड में, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट साइड, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट फिर से देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। रवि का कार्यालय उसके घर से कितनी दूरी है, दूरी पूछता है तो हमेशा डायरेक्ट दूरी बतानी है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये देखना है अपने को, ये ऑफिस है, ये होम, ये वाली डिस्टेंस देखनी है, ठीक है। तो इसके लिए पाइथागोरस लगेगी, ठीक है। ये कर्ण हो गया, इसमें से एक आधार हो जाएगा, एक लंब हो जाएगा, तो कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस निकालना है तो अंडर रूट ले लो। बेस कितना हो जाएगा, ये तो 6 है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ देखो मैं, ये वाला, तो ये तो 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, और ये कितना हो जाएगा, चार ये था 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 100, आपका आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आप लोगों का आंसर हो जाएगा। होपफुली दोस्तों आपको जो भी 3-4 टॉपिक मैंने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किए, कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे साथ में डिस्कस करने की कोशिश की है, समझ में आए होंगे। नेक्स्ट ये पार्ट 1 था, इसके बाद में पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा, और जो नए टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना कि सर आजकल फ्री में ये भी पूछ लेता है, वो भी पूछ लेता है, सारी चीज़ें आप लोगों को मैं यहाँ पे पेपर के थ्रू एक आइडिया जरूर दे दूंगा कि किस तरीके से यहाँ पे मैं करा रहा हूँ। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, ठीक है, तो वो और मैं आपको दे देता हूँ। आप लोगों को हमारी ऑनलाइन वेबसाइट का तो पता ही होगा, www.bankers.org, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं और पूरा सिलेबस कवर कराते हैं, ठीक है। ऑलरेडी सिलेबस बना हुआ है लेकिन इस तरीके से बोर्ड पे नहीं बना हुआ है, वो एक टेबलेट मोड पे बना हुआ है जो आपने देखा होगा पहले भी। लेकिन IBPS क्लर्क का, IBPS क्लर्क 2018 का हम लोग एक फ्रेश बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, फ्रेश बैच स्टार्ट कर रहे हैं जो कि लगभग 1-5 तारीख के बीच में कभी भी स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट मंथ के अंदर, ठीक है। जैसे कि ये महीना आप लोगों का कौन सा चल रहा है, अगस्त चल रहा है ना, सेप्टेम्बर चल रहा है, कौन सा चल रहा है, अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगा, मतलब हाँ 1-5 अक्टूबर के बीच में आप लोगों का ये फ्रेश बैच स्टार्ट हो जाएगा और इसमें सारा सिलेबस करा दिया जाएगा और ये इस बोर्ड मोड पे होगा, ठीक है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए, अभी तो बैच चालू नहीं हुआ है तो ज्वाइन का कोई लिंक नहीं मिलेगा आपको वेबसाइट के ऊपर, लेकिन लिमिटेड सीट्स हैं, 100 सीटें ही हम लोगों ने सोची हैं, मिनिमम भी 100 स्टूडेंट और मैक्सिमम भी 100 स्टूडेंट, बस 100 स्टूडेंट हैं, मिनिमम नहीं आएंगे तो हम स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। आपको क्या करना है, 8955974739 पर मैसेज डाल दो कि सर हम लोग IPS कलर 2018 का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और हमारे पास सफिशियंट रजिस्ट्रेशन आने के बाद में हम लोग 1-5 तारीख के बीच में कभी भी बैच का अनाउंसमेंट कर देंगे। बस आप लोग ये व्हाट्सएप कर देना, वेबसाइट विजिट करके देख लेना कैसा क्या है वहाँ पे, ठीक है। तो उसमें इसी तरीके से, जिस तरीके से आज पढ़ाया है इसी तरीके से बोर्ड पे पढ़ूंगा मैं, ठीक है, और पूरा आप लोगों को एकदम से सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप लोग नए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि मैं कैसी मेहनत कर रहा हूँ, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आप लोगों को पेपर्स के बाद में क्या पढ़ना है उसको मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, मुलाकात होगी अगले वीडियो में।